Yes, students, in this video I am going to explain the chapter The Merchant of Venice. So what is the meaning of Merchant of Venice? Merchant of Venice means वेनिस का व्यापारी, यानी कि जो मर्चेंट है वो कहाँ रहता था? वेनिस एक सिटी का नेम है इटली में. द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज अ 16th सेंचुरी प्ले बाय विलियम शेक्सपियर. मर्चेंट ऑफ वेनिस क्या है? एक्चुअली एक प्ले है जो कब लिखा गया था? 16th सेंचुरी में लिखा गया था. और उसके जो राइटर थे वो कौन थे? विलियम शेक्सपियर हैं. और विलियम शेक्सपियर क्या है? बहुत ज़्यादा फेमस राइटर रहे हैं अपने मतलब टाइम के. और वो उन्होंने ही वॉज अ ग्रेट प्ले राइट एंड पोइट. उन्होंने बहुत ज़्यादा महान वो क्या थे? नाटककार थे, कवि थे. उनके जो नाटक हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. इन दिस प्ले अ मर्चेंट इन वेनिस लॉन्स अ लार्ज सम ऑफ मनी फ्रॉम अ मनी लैंडर हु इज़ वेरी क्रूएल. मैंने पहले आपको बताया था कि प्ले एक्चुअली क्या होता है. प्ले जो होता है वो एक स्टोरी ही होती है, लेकिन वो डायलॉग्स की फॉर्म में होती है. उसमें क्या होते हैं? सीन्स होते हैं और करेक्टर्स होते हैं. रोमांस होता है, ट्रेजिडी होती है, थ्रिलर होता है, मर्डर होता है. तो ये सब होते हैं जैसे फिल्मों में होता है, वही सब कुछ प्ले के अंदर होता है. क्योंकि जो प्ले होते हैं वो मूवीज़ में परफॉर्म करने के लिए लिखे जाते हैं. तो ये जो प्ले है मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसमें क्या होता है? एक मर्चेंट है जो कहाँ रहता है? वेनिस एक सिटी में रहता है इटली के. लॉन्स अ लार्ज सम ऑफ मनी, यानी कि वो क्या कर लेता है? उधार ले लेता है कुछ पैसे. किससे? मनी लेंडर. मनी लेंडर मीन्स जो उधार देने वाला होता है उससे पैसे ले लेता है, जो कि क्या है? क्रूअल. क्रूअल मीन्स बहुत ज़्यादा निर्दयी है. तो अब उस स्टोरी में आगे क्या होता है? लेट्स सी द स्टोरी. एंटोनियो वॉज अ रिच एंड प्रॉस्पेरस मर्चेंट ऑफ वेनिस. एंटोनियो क्या है? एक बहुत ज़्यादा रिच है, मतलब बहुत ज़्यादा अमीर है. और क्या है? प्रॉस्पेरस मीन्स सफल व्यापारी है वेनिस का, वेनिस शहर का. हिज शिप वर ऑन नियरली एवरी सी. उसकी जो समुद्री जहाज़ है वो मोस्टली सारे समंदर में ही चलते हैं. ही ट्रेडेड विद पोर्चुगल, मैक्सिको, इंग्लैंड एंड इंडिया. वो किसके साथ व्यापार करता था? पोर्चुगल, मैक्सिको, इंग्लैंड, इंडिया के साथ वो व्यापार करता था. और उसकी शिप मोस्टली सभी समंदर में चलती थी. ही वॉज वेरी जेनरस विद देम. और वो उनके साथ कैसा बिहेव करता था? बहुत ज़्यादा दयालु था, बहुत ज़्यादा दरिया दिल था. हमेशा उन अच्छे से बिहेव करता था उनके साथ. एंड डिलाइटेड टू यूज़ देम इन रिलीविंग द वॉन्ट्स ऑफ हिज फ्रेंड. और उसे बहुत डिलाइटेड का मतलब क्या होता है? उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती थी कि उसके जो शिप्स हैं या फिर उसके जो किसी की वो हेल्प कर पाए. रिलीविंग मीन्स कि वो किसी की सहायता कर पाए. जब उसके फ्रेंड्स को ज़रूरत होती थी तो वो, जब उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी अगर वो किसी के काम आ जाए. अमंग देम बेसेनियो हैड द फर्स्ट प्लेस. और उन सब में जो बेसेनियो था उसका क्या था? पहला नंबर आता था, क्योंकि वो उसके सबसे ज़्यादा करीब था, उसका बेस्ट फ्रेंड था या क्लोज फ्रेंड था. नाउ बेसेनियो वॉज रेकलेस एंड एक्स्ट्रावेगेंट. अब जो बेसेनियो था वो क्या हो गया था? लापरवाह हो गया था. और एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा खर्चा करने लगा था, फिजूल खर्च करने लगा था. व्हेन ही वॉज अनेबल टू पे हिज क्रेडिटर्स. जब वो मतलब नहीं कर पाया. क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है? कि वो उधार जिससे उसने पैसा लिया था, जो उधार लिया था उनको वो पैसे नहीं चुका पाया. तो वो किसके पास गया? ही वेंट टू एंटोनियो फॉर फर्दर हेल्प. फर्दर का मतलब क्या होता है? आगे की हेल्प के लिए वो किसके पास गया? एंटोनियो के पास गया. वन डे ही सेड टू एंटोनियो. एक दिन उसने एंटोनियो से क्या कहा? इन बेलमंड देयर इज़ अ रिच लेडी. उसने क्या बताया कि बेलमंड एक जगह है जहाँ पर क्या है? एक अमीर लेडी रहती है. From all countries of the globe, renowned suitors come to woo her. मतलब हर एक देश से वहाँ पर. ग्लोब का मतलब क्या है यहाँ पर? विश्व प्रसिद्ध. ग्लोब का मतलब अर्थ होता है. अर्थ मीन्स पूरी दुनिया से. रिनोड मीन्स जाने माने, फेमस. सूटर मीन्स लड़के, यानी कि लड़के जो हैं जाने माने लड़के पूरे देश के वहाँ पर. वो मीन्स उससे शादी करने आ रहे हैं, उसे रिझाने के लिए कि वो उसके प्रेम में पड़ जाए, उसे शादी कर ले. नॉट ओनली बिकॉज शी इज़ रिच, बट बिकॉज शी इज़ ब्यूटिफुल एंड गुड एज वेल. इसलिए नहीं कि वो ज़्यादा अमीर है, लेकिन इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुंदर है और बहुत ज़्यादा अच्छी भी है. आई शुड विन हर अवे फ्रॉम ऑल राइवल्स फॉर हर लव, बट हैड आई बट द मीन्स टू गो टू बेलमंड वेयर शी लिव्स. अब वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मतलब मैं जितने भी राइवल्स भी उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे मैं उसे जीत लाऊँ, उसके प्यार को जीत लूँ. और लेकिन अब मुझे वहाँ पर जाने के लिए मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, कुछ नहीं है. वो जहाँ रहती है मुझे वहाँ पर जाना होगा उसका दिल जीतने के लिए, ताकि कि मैं उन सबसे उसे जीत पाऊँ. ऑल माई फॉर्चून सेड एंटोनियो आर एट सी. अब इस पर जो एंटोनियो होता है वो क्या कहता है कि जितने भी मेरा धन दौलत है, जितना मेरा पैसा था, वो किस पे लगा हुआ है? समंदरी जहाज़ पे लगा हुआ है. सो आई हैव नो रेडी मनी. तो इसलिए मेरे पास अब पैसे नहीं, क्योंकि मैं सारा पैसा अपने जहाज़ों पे लगा चुका हूँ. बट लकीली माई क्रेडिट इज़ गुड इन वेनिस एंड आई विल बोरो फॉर यू वॉट यू नीड. लेकिन मैं एक काम कर सकता हूँ कि तुम्हें उधार दिलवा सकता हूँ वेनिस में,
कि तुम्हें जितनी ज़रूरत है तुम पैसे उनसे ले सकते हो। देयर वॉज लिविंग इन वेनिस एट दिस टाइम अ रिच मनी लेंडर नेम शाइलॉक। उस टाइम क्या था, वेनिस में एक रिच मनी लेंडर रहता था, मतलब अमीर उधार देने वाला आदमी रहता था, जिसका नाम क्या था, शाइलॉक नाम था उसका। और एंटोनियो डिस्पाइज एंड डिसलाइक दिस मैन वेरी मच। एंटोनियो क्या करता था, डिस्पाइज मीन्स उससे बहुत ज़्यादा नफरत करता था, उसको पसंद नहीं करता था। क्या रीज़न था, क्योंकि जो शाइलॉक था वो अच्छा आदमी नहीं था, वो बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड पर्सन था, यानी कि उसे हमेशा पैसों की रहती थी, हमेशा लालची किस्म का आदमी था। और वो क्या करता था, लोगों से ब्याज खाता था, मतलब डबल डबल पैसा लेता था लोगों से। लेकिन एंटोनियो ऐसा नहीं था, वो बहुत ज़्यादा काइंड भी था, जेनरस था और लोगों से इंटरेस्ट भी नहीं खाता था। तो इसलिए एंटोनियो और शाइलॉक एक दूसरे को हेट करते थे, एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, एक दूसरे के क्या थे, दुश्मन थे। एंटोनियो डिस्पाइज एंड डिसलाइक दिस मैन वेरी मच। और एंटोनियो इसी वजह से उसको बहुत ज़्यादा हेट करता था, नफरत करता था और नापसंद करता था। शाइलॉक एक्सेप्टेड ऑल दिस इंडिग्निटीज़ विद पेशेंस श्रग। इंडिग्निटीज़ का मतलब क्या होता है कि उसने अपना अपमान क्या, मतलब शाइलॉक भी क्योंकि उन दोनों के बीच में काफ़ी बार झगड़ा हो चुका था और जो एंटोनियो था उसकी कई बार इंसल्ट कर चुका था, लेकिन शाइलॉक जो था वो अपने अपमान को कई बार बर्दाश्त कर चुका था। लेकिन अब जब वो उसके पास आया था तो उसने सोचा कि मैं इसकी हेल्प करूँगा और क्या करूँगा, बदले में इसके अपना बदला लूँगा। शाइलॉक एक्सेप्टेड ऑल दिस इंडिग्निटीज विद पेशेंस श्रग, मतलब जो अपमान था वो बहुत धैर्य से, बहुत ज़्यादा उससे उसने लिया, मतलब शांत रहा वो। श्रग का मतलब क्या होता है, मतलब कंधे उचकाकर धैर्य से उसने सब कुछ एक्सेप्ट किया। बट डीप इन हिज हार्ट, लेकिन उसके दिल में क्या चल रहा था, ही चेरिश्ड अ डिज़ायर फॉर रिवेंज ऑन हिम, मतलब उसने अपने ये मन में चल रहा था उसके कि वो क्या करेगा, उससे बदला लेगा। रिवेंज मीन्स उससे बदला लेगा अपने इंसल्ट का। सो व्हेन बेसेनियो कम टू हिम टू आस्क फॉर अ लोन ऑफ 3,000 ducats टू एंटोनियो फॉर 3 months, तो जब जो बेसेनियो था, जो एंटोनियो का फ्रेंड था, उसके पास आया लोन लेने के लिए 3,000 ducats तो 3 महीने के लिए, तो शाइलॉक जो था उसने हिड मींस अपनी जो नफरत थी उसे छुपा ली और एंटोनियो की तरफ, टर्निंग टू एंटोनियो मींस कि उसकी तरफ बढ़ा, एंटोनियो की तरफ बढ़ा, सेड हार्शली एज यू हैव ट्रीटेड मी, और उसने बहुत बेरुखी से कहा कि तुमने मुझे जब ट्रीट किया था तो बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं किया था। आई वुड बी फ्रेंड्स विद यू एंड हैव योर लव, उसने कहा अब मैं तुम्हारा दोस्त बन के रहूँगा और तुम्हारा प्यार भी पाऊँगा। सो आई विल लेंड यू द मनी एंड चार्ज यू नो इंटरेस्ट, इसलिए लेंड मीन्स मैं अब तुम्हें पैसे उधार देता हूँ और तुम पे कोई इंटरेस्ट भी नहीं लगाऊंगा, मीन्स ब्याज नहीं लगाऊंगा, बट जस्ट फॉर फन, लेकिन मजाक में। उसने कहा यू शैल साइन अ बॉन्ड इन विच इट शैल बी एग्रीड डेट इफ़ यू डू नॉट रिपे मी इन 3 months टाइम देन आई शैल हैव द राइट टू अ पाउंड ऑफ योर फ्लैश टू बी कट फ्रॉम व्हाट पार्ट ऑफ योर बॉडी आई चूज। लेकिन उसने बदले में क्या कहा, मजाक में उसने कहा लेकिन तुम्हें एक एग्रीमेंट साइन करना होगा जिसमें तुम क्या होगा कि तुम्हें 3 महीने में अगर तुम पैसा नहीं दे पाते हो तो तुम्हें क्या करना होगा, पाउंड ऑफ फ्लैश मीन्स तुम्हें अपने जो मांस का 1 किलो देना पड़ेगा काट कर, और मैं वहाँ जहाँ मेरा दिल करेगा उस बॉडी पार्ट को मैं काट सकता हूँ, चूज मैं करूँगा। नो क्राइड बेसेनियो टू हिज फ्रेंड, यू विल टेक नो सच रिस्क फॉर मी। आज जो बेसेनियो होता है, जो एंटोनियो का फ्रेंड है, वो चिल्लाता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे दोस्त, क्योंकि ये तुम ऐसा रिस्क नहीं लोगे मेरे लिए। Why? Fear not, said Antonio. My ship will be home a month before the time I will sign the bond. अब जो एंटोनियो होता है वो क्या कहता है, क्यों नहीं डरो मत, तो मेरी ship जो है वो 1 महीने, मतलब 1 महीने के पहले आ जाएंगी और मैं जो है ये agreement sign कर देता हूँ। Bond का मतलब क्या है, दोनों के बीच में जो agreement हुआ था, जो प्रतिज्ञा पत्र साइन हुआ था, वो मैं कर देता हूँ। Thus Bassanio was furnished with the means to go to the Belmont to woo the lovely Portia. अब 10 का मतलब क्या होता है, इस प्रकार जो बेसेनियो होता है वो जिस साधन से जा रहा होता है उसको अच्छे से सजा के डेकोरेट करके कहाँ जाता है, बेलमंड पहुँच जाता है, क्या वो मीन्स शादी करने के लिए, लवली पोर्शिया से शादी करने के लिए पहुँच जाता है। द वेरी नाइट ही स्टार्टेड द मनी लेंडर प्रीटी डॉटर, द वेरी नाइट का मीन्स क्या है, बहुत रात में क्या होता है कि जो मनी लेंडर की प्रीटी डॉटर होती है, प्यारी सी बेटी होती है जैसिका, वो अपने पापा के घर से क्या करती है, भाग जाती है अपने लवर के साथ, अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है। She took with her from her father's hoard some bag of ducats and precious stones, और अपने साथ में क्या ले जाती है, father's hoard का मतलब क्या है, अपने पापा के जो खजाना होता है, जो उन्होंने सबको जमा कर रखे पूंजी होती है, उसमें से क्या करती है वो कुछ ducats ले लेती है। ducats एक्चुअली क्या होता है, ducats जो होते हैं वो गोल्ड कॉइन्स होते हैं, करेंसी होती है जो मोस्टली यूरोपियन कंट्री में यूज़ की जाती है,
और कुछ प्रीशियस स्टोन्स ले जाती है, जो कीमती रत्न होते हैं वो ले जाती है। शाइलॉक ग्रीव एंड एंगर वर टेरेबल टू सी, तो शाइलॉक ग्रीव मीन्स जो शाइलॉक का दुख होता है, एंगर मीन्स जो गुस्सा होता है, वो टेरेबल मीन्स इतना ज़्यादा भयानक होता है कि उसे देख नहीं सकते। हिज लव फॉर हर चेंज टू हेट, जो उसका प्यार था अपनी बेटी के लिए वो किस में बदल जाता है, नफरत में बदल जाता है। आई वुड शी वर डेड एट माई फीट इन द जल्स इन हर एयर ही क्राइड, अब वो गुस्से में क्या होता है कि काश होता मैं उसे अपने पैर से कुचल पाता, उसके जो कानों में ज्वेलरी वगैरह थी उसे कुचल सकता, छीन सकता। हिज ओनली कम्फर्ट नाउ वॉज इन हियरिंग ऑफ द सीरियस लॉसेज विच हैड फॉलन एंटोनियो सम ऑफ होज शिप, सम ऑफ हूज शिप्स वर रैक, अब उसको कब आराम मिलता, मतलब उसको उसका जो कम्फर्ट था अब किस में था कि वो ये सुने कि मतलब एंटोनियो जो है वो बर्बाद हो गया, तो तभी क्या होता है कि उसे सुनने में आता है, उसे आराम महसूस होता है जब वो सुनता है कि जो एंटोनियो है उस पर क्या हुआ है, उस पर एक मुसीबत आ पड़ी है कि जो उसकी जितनी भी शिप्स हैं वो रैक हो गए, मीन्स बर्बाद हो गए हैं, जो समंदर में गए हुए थे। लेट हिम लुक टू हिज बॉन्ड, अब उसे बड़ी खुशी होती है, वो क्या कहता है कि चलो जो हमने एग्रीमेंट साइन किया था उसको देखते हैं, फिर वो अगेन ये अपने वर्ड्स रिपीट करता है, लेट हिम लुक टू हिज बॉन्ड, अब मैं देखूंगा जो हम दोनों ने बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ था, अब देखते हैं, क्योंकि अब उसको मौका मिल गया, क्योंकि वो तो बदला लेना चाहता ही था एंटोनियो से, अब उसे मौका मिल गया क्योंकि एंटोनियो अब उसे पैसे नहीं दे पाता क्योंकि उसके सारे शिप बर्बाद हो गए थे, तो अब उसे मौका मिल गया कि वो उससे अब बदला ले शाइलॉक। मीनवाइल बिजेनियो हैड रीच बेल्डमन एंड ही हैड विजिटेड द फेयर पोर्शिया, मीनवाइल मीन्स इस दौरान जो बिसेनियो होता है वो कहाँ पहुँच जाता है, बेल्डमन पहुँच जाता है और फेयर मतलब प्यारी पोर्शिया के पास के यहाँ पहुँच जाता है। ही फाउंड एज ही हैड टोल्ड एंटोनियो डेट द र्यूमर ऑफ हर वेल्थ एंड ब्यूटी हैड ड्रॉन टू द सूटर फ्रॉम फार एंड नियर, उस जैसे कि उसके दोस्त ने उसको बताया था एंटोनियो ने कि जो र्यूमर था, र्यूमर का मतलब क्या होता है, जैसे अफवाह थी कि उसकी यहाँ पर वेल्थ का मतलब क्या दौलत, मतलब उसकी जो सुंदरता के जो अफवाह थी और जो उसकी दौलत की अफवाह थी, वो लोगों को दूर दूर से पास के दूर के लोगों खींच खींच के लाए थे, मतलब बहुत सारे लोग दूर और पास से आए हुए थे वहाँ पर। बट टू ऑल ऑफ देम पोर्शिया हैड बट वन रिप्लाई, पर हर किसी से पोर्शिया का एक ही उत्तर था, शी वुड ओनली एक्सेप्ट डेट सूटर हु वुड प्लेज हिमसेल्फ टू अबाइड बाय द टर्म्स ऑफ फादर्स विल, उसका सिर्फ एक ही रिप्लाई था, एक ही उत्तर था कि वो उस सूटर मीन्स उस लड़के से शादी करेगी। प्लेज का मतलब क्या है, मतलब प्रतिज्ञा, प्रॉमिस, क्योंकि वो जो है अपने पापा के प्रॉमिस से बंधी हुई है, क्योंकि उसके पापा ने अपनी विल में जो उसने विल बना रखी थी पापा के, उसमें क्या लिखा था कि वो उसी आदमी से शादी करेगी जो उसके फादर्स ने विल बनाई, उसके अकॉर्डिंग जो वो उसमें पूरी कर लेगा उसके अकॉर्डिंग उससे शादी करेगी। अब उसके फादर्स के विल में क्या लिखा था वो हम आगे देखेंगे। दीज वर कंडीशन डेट फाइटेड अवे मैनी एन आर्डेंट वर, तो ये जो कंडीशन थी इससे क्या होता था, बहुत सारे आर्डेंट का मतलब क्या है, जो उत्साहपूर्ण आते थे ना, वो जो लड़के आते थे बहुत उत्साह से भर के कि हम शादी करेंगे, वो ये सब देख के इस जो ये टर्म्स कंडीशन होती थी इनको देख के डर जाते थे। फॉर ही हु वुड विन पोर्शियाज हार्ट एंड हैंड, मतलब उसके लिए जो कि पोर्शिया से शादी करना चाहता था, उसका दिल जीतना चाहता या शादी करना चाहता, उसे क्या करना होगा, मतलब उस बिल में क्या लिखा था कि उसे 3 कास्केट चूज़ करने होंगे। कास्केट क्या होते हैं, ये स्मॉल बॉक्स होते हैं, उसे चूज़ करने होंगे जिसमें से क्या है, एक में क्या है पोर्ट्रेट है, तस्वीर है, किसकी, पोर्शिया की तस्वीर है, यानी कि जो फादर्स की जो विल थी उसमें क्या लिखा हुआ था कि जो पोर्शिया है उसका हस्बैंड कौन होगा, जो 3 कास्केट में से सही कास्केट चूज़ करेगा जिसमें से एक में किसकी फ़ोटो है, किसकी पोर्ट्रेट है, पोर्शिया की तस्वीर है, तो वही उसका क्या होगा, हस्बैंड होगा। इफ़ ही गैस राइट देन पोर्शिया वुड बी हिज ब्राइड, अगर जो भी लड़का सही गैस करेगा पोर्शिया जो कि क्या होगी उसकी वधू होगी या फिर दुल्हन होगी। इफ़ रॉन्ग देन ही वॉज बाउंड बाई ओथ नेवर टू रिवील विच कैस्केट ही चोज, नेवर टू मैरी एंड टू गो अवे एट वंस, अगर उसने गलत चूज करी तो क्या होगा, उसे कसम लेनी होगी कि वो कभी भी कैस्केट के बारे में किसी को नहीं बताएगा और ना शादी करेगा, यहाँ से चला जाएगा। द कैस्केट वर ऑफ गोल्ड सिल्वर एंड लेड, जो कैस्केट थी जो स्मॉल बॉक्स थे वो किस किस के थे, सोने चांदी और लेड यानी सीसा के थे। द प्रिंस ऑफ मोरक्को चोज द गोल्ड कैस्केट, अब एक प्रिंस की बारी आती है जो मोरक्को से आया था, उसने पहले क्या किया, गोल्ड का जो बॉक्स था उसको चूज किया था। फॉर ही सेट नीदर बेस लीड नॉर सिल्वर कुड कंटेन हर पिक्चर, उसने ये सोचा कि ना चांदी और ना ही लेड के अंदर उसकी पिक्चर हो सकती है, तो उसने जैसे वो खोलता है सोने का जो कैस्केट होता है जो बॉक्स होता है उसको ओपन करता है, उसमें क्या होता है, पिक्चर ऑफ डेथ होती है, यानी कि उसमें पोर्शिया की पिक्चर नहीं होती। आफ्टर हिम केम द हॉटी प्रिंस ऑफ एरेगन,
उसके बाद किसका नंबर आता है, हॉटी कहते हैं घमंडी, घमंडी प्रिंस था, राजा था कहाँ का, एरेगन का राजा था। ही चोज द सिल्वर वन एंड फाउंड इनसाइड अ फूल्स हेड। अब उसने सिल्वर जो बॉक्स था उसको चूज़ किया और उसके बाद उसके अंदर क्या मिला, फूल्स हेड यानी कि मूर्ख की खोपड़ी मिली। डेट आई डिजर्व नो मोर देन अ फूल्स हेड, वो कहता है क्या मैं ऐसे मूर्ख की खोपड़ी डिजर्व करता हूँ, वो चिल्लाया। देन एट लास्ट केम बेसेनियो, उसके बाद किसकी बारी आती है, बेसेनियो की बारी आती है। ही टुक द ओथ एंड वॉक अप टू द कैस्केट, वो कसौगन खाता है और कैस्केट की तरफ बढ़ता है। मेयर आउटवर्ड शो ही सेड इज टू बी डिस्पाइड, अब वो आगे की तरफ दिखाता है कि मतलब ये सब चीज़ें, वो कहता है कि ये सब क्या है, ये सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। द वर्ल्ड इज स्टिल रिसीव विद ऑर्नामेंट, उसने कहा जो घर, ये जो दुनिया है वो धोखा है, ऑर्नामेंट मतलब सोने चांदी का धोखा है। तो उसने कहा कि मैं एक काम करता हूँ, ये चमकीले गोल्ड और शाइनी सिल्वर जो है इसे मैं चूज़ नहीं करता हूँ, मैं चूज़ करता हूँ लीड कैस्केट, मानी कि जो लीड था, जो जो लेड था, आई चूज़ द लेड कैस्केट यानी कि जो शीशे के जो बॉक्स है उसको मैं क्या करता हूँ, चूज़ करता हूँ। एंड ओपनिंग इट, फिर वो खोलता है तो क्या पाता है, ही फाउंड फेयर पोर्शियाज पोर्ट्रेट इनसाइड, उसके अंदर क्या होती है, पोर्शिया की तस्वीर होती है। ही टर्न टू हर, उसकी तरफ जाता है और कहता है कि ये तुम ही हो कि हाँ। फिर पोर्शिया इस पर क्या कहती है, आई एम योर्स, मैं तुम्हारी हूँ और ये तुम घर भी तुम्हारा है। और उसके बाद वो क्या करती है, वो उसे एक रिंग दे देती है, उसने कहा कि इसे तुम कभी भी अलग मत करना। एंड बेसेनियो सेइंग दैट ही कुड हार्डली स्पीक फॉर जॉय, उसने कहा कि मैं बता नहीं सकता कि मैं इस वक्त कितना खुश हूँ, मैं कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ। फाउंड बट टू स्वेट डेट ही वुड नेवर पार्ट विद द रिंग वाइल ही लिव, और वो सौगंध खाता है, उसे प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी इस रिंग को अपने आप से अलग नहीं करेगा। देन सडनली ऑल इज हैप्पीनेस वर डैश विद सोरो, लेकिन अचानक से फिर क्या होता है, अचानक से जो उसकी खुशी होती है वो चूर चूर हो जाती है, मैं गम में बदल जाती है। फॉर मैसेंजर, एक दूत आता है मैसेज लेके वेनिस से, टू टेल हिम दैट एंटोनियो वॉज रुइंड, ये बताने के लिए, वेनिस सिटी से आता है जहाँ पर उसका दोस्त एंटोनियो रहता है, ये बताने के लिए कि एंटोनियो जो है वो बर्बाद हो चुका है। डेड एंड डेड शाइलॉक डिमांडेड फ्रॉम द ड्यूक द फुलफिलमेंट ऑफ द बॉन्ड, अब बताता है कि जो शाइलॉक से उसका बॉन्ड हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, वो डिमांड कर रहा है शाइलॉक कि मुझे अपना जो एग्रीमेंट साइन हुआ है फुलफिल करो, मतलब पूरा करो। अंडर विच ही वॉज इंटाइटेड टू अ पाउंड ऑफ द मर्चेंट फ्लैश, जिसमें ये लिखा हुआ था कि जो एंटोनियो है उसे क्या देना होगा, पाउंड ऑफ फ्लैश देना होगा मर्चेंट को, मतलब अपना एक किलो गोश्त देना होगा, अपना मांस देना होगा मर्चेंट को। पोर्शिया वॉज एज ग्रीव एज बेसेनियो टू हियर ऑफ द डेंजर विच थ्रेटन्ड हिज फ्रेंड, जो पोर्शिया थी उसे भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ था, ग्रीव मीन दुख हुआ था, जैसे बेसेनियो की तरह जब उसने ये खतरे के बारे में पढ़ा जो किस पर मंडरा था, थ्रेटन मीन जो किस पर मंडरा रहा था, उसके फ्रेंड एंटोनियो पर मंडरा रहा था, बेसेनियो के फ्रेंड एंटोनियो पर। फर्स्ट शी सेड टेक मी टू चर्च एंड मेक मी योर वाइफ, पहले वो कहती है कि मुझे चर्च में ले चलो, मुझे अपनी बीवी बना लो। देन गो टू वेनिस एट वंस टू हेल्प योर फ्रेंड, उसके बाद हम वेनिस चलेंगे तुम्हारे फ्रेंड की हेल्प करने। यू शैल टेक विद यू मनी इनफ टू पे हिज डेब्ट 20 टाइम्स ओवर, और तुम जो है उसको मतलब दो गुना ज़्यादा पैसे देना कर्जा चुकाने के लिए। बट वैन हर न्यूली मेड हस्बैंड हैड गोन, जब दोनों शादी कर लेते हैं और जब न्यूली मेड हस्बैंड जो चला जाता है, पोर्शिया वेंट आफ्टर हिम एंड अराइव इन वेनिस डिस्गाइज्ड एज़ अ लॉयर, जब जो बेसेनियो था वो चला जाता है तो पोर्शिया भी उसके पीछे पीछे जाती है और डिस्गाइज एज़ अ लॉयर मीन्स, डिस्गाइज मीन्स अपना भेस बदल के लॉयर की तरह, मतलब क्योंकि पहले ज़माने में क्या होता था कि लड़कियों को अलाउ नहीं था कि वो लॉयर जो थे लड़कियाँ नहीं होती थी, तो वो लड़के का वेशभूषा धारण कर लेती है, मतलब लड़के के भेस में जाती है लॉयर बन के। एंड विद एन इंट्रोडक्शन फ्रॉम अ सेलिब्रेटेड लॉयर ग्लेरियो, और किसका वेशभूषा धारण करती है, सेलिब्रेटेड मीन्स फेमस लॉयर ग्लेरियो, और जो ग्लेरियो था वो क्या था, उसका कज़िन था पोर्शिया का, तो वो उसको मना कर देती है कि तुम मत जाना, मैं तुम्हारी जगह जाऊँगी। होम द ड्यूक ऑफ वेनिस हैड कॉल्ड इन टू डिसाइड द लीगल क्वेश्चन रेज बाय शाइलॉक क्लेम टू अ पाउंड ऑफ एंटोनियो फ्लैश, ड्यूक किसे कहते हैं, जो राजा होता है वेनिस का, उसने ग्लेरियो को बुलाया था कि मतलब लीगल क्वेश्चन करने के लिए, क्वेश्चन जो होते हैं कोर्ट में वो करने के लिए, किसके खिलाफ, एंटोनियो, मतलब जो वो क्लेम कर रहा था कि मुझे एंटोनियो से फ्लैश चाहिए, उसे बुलाया था। तो ग्लेरियो की जगह कौन चला गया था, पोर्शिया चली गई थी ग्लेरियो का नाम रखकर। व्हेन द कोर्ट मेट, जब कोर्ट लगा, बेसेनियो ऑफर्ड शाइलॉक टू हिज द मनी बोरोड, उसके बाद बेसेनियो ने कहा कि मैं तुम्हें डबल मनी दे दूंगा जितना तुमने मुझे उधार दिया था। इफ ही वुड विड्रॉ हिज क्लेम, अगर वो अपना जो क्लेम है, जो उसने दावा किया है, वो वापस ले ले तो मैं उसे डबल पैसा दे दूंगा। बट द मनी लेंडर ओनली आंसर वॉज आई वुड नॉट ड्रॉ माई क्लेम, आई वुड हैव माई बॉन्ड, लेकिन उसका एक ही आंसर था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं अपना क्लेम वापस नहीं लूँगा, मुझे अपना दावा वापस नहीं लूँगा, मुझे अपना एग्रीमेंट पूरा करना है, यानी कि उसका मांस चाहिए। इट वॉज देन डेट पोर्शिया अराइव इन हर डिस्गाइज, इतनी देर में क्या होता है, पोर्शिया जो होती है अराइव मीन्स पहुँच जाती है वहाँ पर, और डिस्गाइज मीन्स वो लॉयर के वेशभूषा में होती है, कोई उसे पहचान नहीं पाता।
और एंड नॉट इवन हर ओन हस्बैंड न्यू हर, उसका अपना हस्बैंड जो बेसेनियो था वो भी उसको नहीं पहचान पाता। द ड्यूक गेव हर वेलकम ऑन अकाउंट ऑफ द ग्रेट बेलेरियस इंट्रोडक्शन, जो ड्यूक होता है जो वहाँ का राजा होता है वेनिस का, वो उसको वेलकम करते हैं क्योंकि वो तो उसे बेलेरियो ही समझ रहे होते हैं और उसका इंट्रोडक्शन देते हैं। एंड लेफ्ट द सेटलमेंट ऑफ द केस टू हर, और फिर पूरा सेटलमेंट हो जाता है, जैसे मतलब जैसे जज बैठे होते हैं और लॉयर आते हैं तो वैसे ही क्वेश्चनिंग शुरू हो जाती है। देन इन नोबल वर्ड दैट शी वेट शाइलॉक हैव मर्सी, शाइलॉक हैव मर्सी बट ही वॉज डीप टू हर इंट्रीटीज़। उसने उसने अपने नोबल वर्ड्स यानी कि बहुत प्यार से उसने कहा उसको कि निवेदन भी किया, बैड मीन्स निवेदन किया शाइलॉक से कि वो कोई दया दिखाए, लेकिन वो क्या था, बहरा हो गया था वो, कोई इंट्रीटीज़ मीन्स यहाँ पर वो कोई निवेदन कोई फरियाद नहीं सुन रहा था। आई विल हैव द पाउंड ऑफ फ्लैश वॉज इज रिप्लाई, बस उसका क्या उत्तर था कि मुझे सिर्फ क्या चाहिए, मुझे एक किलो गोश्त चाहिए, मांस चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। द कोर्ट अवार्ड्स यू अ पाउंड ऑफ एंटोनियस फ्लेसेड पोर्शिया टू द मनी लेंडर। अब इस पे जो पोर्शिया होती है मनी लेंडर यानी कि शाइलॉक से क्या कहती है कि कोर्ट तुम्हें क्या देगा, एंटोनियो के मांस का एक किलो देगा। मोस्ट राइचियस जज क्राइड शाइलॉक, अब शाइलॉक क्या चिल्लाता है कि बिल्कुल तुम बिल्कुल सच्चे जज हो, वेट अ लिटिल। लेकिन जब वो उसके पास जाने लगता है तो जो पोर्शिया होती है कहती है रुको, दिस बॉन्ड गिव यू नो राइट टू एंटोनियोस ब्लड, लेकिन इस बॉन्ड में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि तुम मतलब तुम्हें एंटोनियो का ब्लड चाहिए, खाली ये लिखा हुआ है कि तुम्हें उसका फ्लैश चाहिए यानी कि मांस चाहिए। इफ देन यू स्पिल अ ड्रॉप ऑफ हिज ब्लड, यहाँ पर क्या है कि अगर तुमने जरा स्किल मीन जरा भी एक कतरा भी गिराया ब्लड का, ऑल योर प्रॉपर्टी विल बी फॉरफिटेड टू द स्टेट, तो जितनी भी तुम्हारी प्रॉपर्टी है जायदाद है वो किसको जब्त कर ली जाएगी, स्टेट यानी कि जो मतलब यहाँ की गवर्नमेंट है वो ले लेगी सारा तुम्हारा जितना भी जायदाद है। मतलब तुम मांस का टुकड़ा लो तुम्हें जितना चाहिए, लेकिन एक भी खून का कतरा नहीं गिरना चाहिए, वरना तुम्हारी जो प्रॉपर्टी फॉरफिटेड मीन्स वो जब्त कर लेगी। कौन ले लेगी, किसके पास चली जाएगी, जो वहाँ की गवर्नमेंट है। ये क्या है, ये रूल लॉ है, ये कानून है। एंड शाइलॉक इन इज फेयर, वो डर के मारे कहता है देन आई विल टेक बेसेनियो ऑफर, वो कहता है ठीक है अगर ऐसी बात है तो मैं बेसेनियो का ऑफर मान लेता हूँ, यानी कि वो दोगुना मुझे ज़्यादा पैसे दे रहा है तो मैं उसके ऑफर मान लेता हूँ। नो सेड पोर्शिया स्टर्नली, अब जो पोर्शिया थी ना वो कठोरता से कहती नहीं तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें अपना बॉन्ड पूरा करना है, एग्रीमेंट पूरा करना चाहिए तुम्हें, टेक योर पाउंड, तुम अपना पाउंड ऑफ फ्लैश लो यानी कि जो तुम्हें मास चाहिए बोलो, बट रिमेंबर डेट इफ़ यू टेक मोर और लेस इवन बाय द वेट ऑफ अ हेयर यू विल लॉस योर प्रॉपर्टी एंड योर लाइफ। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगर तुमने ज़्यादा या कम लिया, एक बाल से भी ज़्यादा कम लिया, तो तुम्हें क्या करना होगा, अपनी सारी प्रॉपर्टी लॉस करनी होगी यानी गवा बैठोगे, अपनी ज़िंदगी ही गवा बैठोगे। शाइलॉक नाउ ग्रू वेरी मच फ्राइटेड, अब जो शाइलॉक था वो बहुत ज़्यादा डरने लगा, बहुत ज़्यादा डर गया। गिव मी माई 3000 ड्यूकेट डेट लैंड हिम एंड लेट हिम गो, उसने कहा कि मुझे मेरे क्या कहते हैं 3000 जो ड्यूकेट्स हैं जो करेंसी है वो मुझे दे दो और उसे भी जाने दो, और मतलब से जाने दो। वैसे एनी वुड हैव पेड टू हिम बट सेट पोर्शिया नो ही शैल हैव नथिंग, बट उसने कहा कि नहीं बट हिज बॉन्ड, उसने बसैनी का चलो ठीक है से दे दो, उसने कहा नहीं इसे कुछ नहीं मिलेगा, इसको ये अपना बॉन्ड पूरा करेगा। यू शी एडेड हैव सॉट टू टेक द लाइफ ऑफ वेनिशियन सिटीजन, उसने कहा कि तुम फिर वो क्या कहती है कि तुम लेना चाहते थे एक वेनिशियन सिटीजन की जान लेना चाहते थे, दस बाय द वेनिशियन लो योर लाइफ एंड गुड्स आर फॉरफिटेड, इस ये तुम्हारे क्या है जुर्म है ये, तो अब तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हारी ज़िंदगी और तुम्हारा सब सामान जो है वो जब्त कर लिया जाएगा, गवर्नमेंट ले लेगी। डाउन देयरफॉर एंड बेग मर्सी ऑफ द ड्यूक, उसने कहा नीचे झुको और अपने गलती के लिए माफ़ी मांगो। दस वर द टेबल टर्न, अब जो उसका सारा जो उसकी बात ही सब पलट जाते हैं, यानी कि जो अब सारा जो केस है वो पलट जाता है। एंड नो मर्सी वुड हैव बीन शोन टू शाइलॉक, और उसे कोई भी दया नहीं दिखाई जाएगी, कोई दया नहीं दिखाई जाएगी। इट वॉज द मनी लैंडर फॉरफिट हाफ इज फॉर्चून, अब क्या होता है कि जो मनी लैंडर होता है शाइलॉक उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो जब्त कर ली जाती है, और हाफ प्रॉपर्टी जो होती है वो किस कहाँ चली जाती है, जो गवर्नमेंट होती है वहाँ की वो ले लेती है, और जो बची कुची होती है वो एंटोनियो तो लेने से मना कर देता है, तो किसको दे दी जाती है, जो उसकी फ्रेंड जैसिका का, जैसिका जो उसकी बेटी होती है और जो उसका हस्बैंड होता है लोरेंजो, उसको दे दी जाती है। बेसेनियो इन हिज ग्रेटिट्यूड टू द क्लेवर लॉयर, अब जो बेसेनियो होता है वो अपने ग्रेटिट्यूड मीन्स धन्यवाद के तौर पे जो चालाक लॉयर होती है या होता है उसे पता नहीं होता, उसको क्या करता है धन्यवाद देता है, ले और उसे बहुत मतलब पैसे देना चाहता है धन्यवाद के रूप में, लेकिन
वॉज इंड्यूस टू पार्ट विद द रिंग हिज वाइफ हैड गिवन हिम। इंड्यूस का मतलब वो अट्रैक्टेड होती है किस पे, जो रिंग होती है जो उसकी वाइफ ने दी होती है वो उसे लेना चाहती है, लेकिन बेसेनियो पहले मना कर देता है क्योंकि उसकी बीवी ने उसको दी थी, लेकिन एंटोनियो के कहने पर उसको वो देनी पड़ती है और वो रिंग उसको दे देता है। एंड विद विच ही हैड प्रोमिस नेवर टू पार्ट वैन वन इज टर्न टू बेलमंड ही कन्फेस एज मच टू पोर्शिया। और क्योंकि उसने अपनी बीबी से प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी उस रिंग को अपने से अलग नहीं करेगा, लेकिन एंटोनियो के खातिर उसे देनी पड़ती है। जब वो वापस लौट के आता है बेलमंड तो पोर्शिया उससे गुस्सा होती है, कहती है कि तुम जो बेकार हो, तुमने मेरी कसम तोड़ दी हो, तुमने अंगूठी संभाल के नहीं रखी। एंड शी उसने कहा कि तुम कभी अच्छे दोस्त नहीं हो सकते, और अंटिल शी उसने कहा कि हम फ्रेंड ही रहेंगे जब तक तुम वो वापस नहीं लाओगे। बट एट लास्ट शी फिर लास्ट में क्या होता है कि she told him that it was she who in the disguise of the lawyer। अब फिर वो जो बेसेनियो होता है वो पोर्शिया को पूरी बात बताता है कि रिंग उसने कहाँ दी थी। फिर लास्ट में वो उसको बता देती है कि वो लॉयर के वेशभूषा बदल के, यानी कि अपना जो भेष बदल के गई थी और उसने उसकी फ्रेंड की जान बचाई थी, और उसके बाद वो उसको रिंग वापस दे देती है। सो बेसेनियो वॉज फॉरगिवन, और बेसेनियो जो है उसको माफ़ कर देती है, और वो दोनों बहुत खुश खुश रहने लगते हैं। टू नो हाउ रिच अ प्राइज ही हैड ड्रॉन इन द लॉटरी ऑफ द कैस्केड। अब ये देखो कि उसे कितना अच्छा उस कैस्केड में कितनी लॉटरी लग जाती है, क्योंकि सब कुछ उसका ही हो जाता है, वो सब खुश खुश रहने लगते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टोरी।